ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि सावन मास में पीपल वृक्ष पर सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई कटुता आ रही हो या फिर किसी भी तरह का मनमुटाव हो, पति बात ना सुन रहे हो, तो मेरे एक छोटा सा नुस्खा आप आजमा कर देखिए। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं आपके रिलेशन को लेके, वो सारे देखते ही देखते ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी जो है वो काफ़ी पुण्य तिथि है कि सावन मास लग चुका है। आप इसमें अगर कोई प्रयोग करते हैं तो वो 100% आपको लाभ ज़रूर देगा। तो ये विधि बहुत ही आसान है। जो कठिन प्रयोग ना कर पाए उनके लिए ये प्रयोग बहुत ही असरदार होगा। आप ऐसा कीजिएगा कि जितने भी सावन के दिन हैं इनमें आपको पीपल वृक्ष ढूंढना है, जिसमें कि आप आपके घर के समीप ही हो और आप जा सके रोज़ वहाँ पर। वहाँ जाकर आपको पनीर और दूध और थोड़ा सा शहद, ये आपको रोज़ सुबह चढ़ाने हैं पीपल वृक्ष पर। और जो भी आपकी मंशा हो वो स्पष्ट करनी है कि मेरे पति बहुत ही मुझसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उन सबको ठीक करो। और यूँ समझिएगा कि आप किसी देवता से बात कर रहे हो। वहाँ जाकर आपको वो अर्पित कर देने हैं किसी पीपल वृक्ष के जड़ों में, और अपनी जो भी मनोदशा है वो बतानी है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं ऐसा चाहती हूँ। तो यकीन मानिए, एक हफ्ते के भीतर भीतर जितनी भी आपकी कठिन समस्या क्यों ना हो, वो सारी दूर होकर आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। अगर इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। थैंक यू।